अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ प्याज की पत्ती। प्याज की पत्ती के लिए मैं ली हूँ एक मीडियम साइज़ के 4 से 5 बंचेस थे और इसको कट करके वॉश करके रख ली। और मसूर की दाल है 50 ग्राम मसूर की दाल को वॉश करके रख ली। एक मीडियम साइज़ की प्याज, चलिए मैं कढ़ाई रख दी, इसमें डाल दी ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाली। अब इसमें प्याज डाल, चलिए प्याज डालने में हल्की सी ब्राउन होने लगी। अब इसमें डालिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को ठीक अच्छे से मिल जाना और हल्के से ब्राउन होने जब तक फ्राई कर लेना। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्ची। अब जो हम मसूर की दाल धो के रख लिए तो उसका पानी फेंक दीजिए। अब ये मसूर की दाल इसमें भून लेंगे। अब इसमें एक आधे गिलास, एक कप छोटे कप से पानी डालेंगे। 2 मिनट के लिए तेज फ्लेम पे इसको पका लेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दी थी। अब इसमें हम जो प्याज की पत्ती काट के रखी वो डालेंगे। प्याज की पत्ती को जो काट लिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले प्याज की पत्ती डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको फ्लेम को, इसमें पानी है, पानी में जो डाली थी शुरू में वही पानी डाली और नहीं डाली। पानी है ये, काफ़ी है डालने के वास्ते प्याज की पत्ती और दाल को। इसको ढाक देंगे और फ्लेम को धीमा कर देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मैं ढापी थी और 4 से 5 धीमे पे होगी। अभी मैं टेस्ट करूँ, धीमे पर ढापी थी। 4 से 5 मिनट में 2 से 3 मिनट पर टेस्ट कर दी कि मतलब दाल नरम सॉफ्ट हो गई। थोड़ी देर इसका पानी को सुखा लेंगे, फिर इसका धीमे पर पका लेंगे। चलिए हमारे प्याज की पत्ती तैयार है। इसका पानी भी सूख गया और इसको बिल्कुल ड्राई करना नहीं है, हल्का सा इसको लूज रखना है। फ्लेम को बंद करके डिश में निकालेंगे। ये बहुत जल्दी बनती, ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत अच्छी रेसिपी है, झटपट बन जाती है और हेल्दी भी रहती है। प्याज की पत्ती खाना रोटी के साथ आप झटपट बना सकते हैं, जरूर देर में तैयार भी हो जाती और जायके में भी मज़ेदार होती। बिल्कुल सिंपल एंड ईजी है रेसिपी है। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।